महाभारत 26 अर्जुन की स्वर्ग यात्रा मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। कुंती पुत्र अर्जुन को प्रदान कर पाशुपतास्त्र जैसे ही अंतर्धान हुए देवाधिदेव महादेव, वैसे ही प्रकट हुए देवराज इंद्र समस्त दिक्पालों के साथ। आह्लादित अर्जुन की सफलता से बोले देवराज, पशुपतिनाथ के मंत्रचारित महास्त्र की प्राप्ति के पश्चात अब तुम हो देवगति प्राप्त। तुम्हें चलना है स्वर्ग, करना है सिद्ध देवताओं के कई कार्य, वहीं मैं प्रदान करूंगा तुम्हें और भी दुर्लभ दिव्यास्त्र। इन्हीं शब्दों के साथ प्रकट हुए निद्राजयी धनंजय अर्जुन के समक्ष दिव्य रथ। इस वेगवान रथ को हजार पीत रंग वाले मायावी अस्त्र उड़ा ले जाते थे, बनाते हुए आकाश में मार्ग। इस रथ पर थे समस्त प्रकार के महास्त्र। इस पर लहरा रहा था नील वर्ण महातेजस्वी ध्वज वैजयंत। इसे संचालित कर रहे थे देवराज के सारथी मातली। आसीन हुए रथ पर कुंती नंदन, किया उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ हिमगिरी को प्रणाम, जहां सिद्ध हुए उनके सारे तप। फिर किया उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान। रथ जाने लगा धीरे धीरे आकाश की ओर। बीच में छूटते जाते थे अनेकों लोक। भास्वर लगता था आकाश स्वर्ग तारकों से, असाधारण अद्भुत अतुलनीय था उसका प्रकाश। अर्जुन विस्मय विमुग्ध थे, सर्वथा नया था उनके लिए यह अनुभव। समझकर उनकी विमुग्ध मन स्थिति बोले देवेंद्र सारथी मातली, हम गहन मनह लोक की यात्रा पर अग्रसर है। हम गहन मनह लोक की यात्रा पर अग्रसर है। भौतिक आंखों से संभव नहीं देख पाना यह अद्भुत लोकीय विस्तार। यह तारकों से भरा दिखता है जो अनंत आकाश। वे सभी तारक देवी देवताओं के हैं निवास स्थान। यहीं रहते हैं योगी विरल प्रकाश युक्त सिद्ध आत्माएं, जो पार्थिव बंधनों से हो चुकी हैं मुक्त। पृथ्वी के विरल योद्धा जिन्होंने सत्य की रक्षा में दिए हैं अपने प्राण। सबों के लिए यही है सुसम्मानित स्थान। तभी आकाश में खुल गए विरल प्रकाश द्वार। खड़े थे द्वार पर ऐरावत गजराज। कहा मातरी ने, हम आ पहुंचे इंद्रलोक स्वर्गलोक। आगे बढ़ते ही स्वयं सामने आकर स्वागत किया देवेंद्र ने, बिठाया उन्हें अपने साथ के सिंहासन पर। यह था निद्राजयी योगी धनुर्धारी अर्जुन का अपूर्व स्वागत। पांडुपुत्र अर्जुन रहने लगे महेंद्र के साथ। यहीं उन्होंने प्राप्त किया अस्त्र वज्र और विकट ध्वनिमय प्रलयकारी असनिया का उपहार सहित महाज्ञान। तब महेंद्र ने कहा उनसे, शिक्षा की पूर्णता के लिए प्राप्त करो नृत्य गायन वादन का भी ज्ञान। तब अर्जुन ने प्राप्त किया स्वर्ग के गंधर्व चित्रसेन से उनका भी गहन ज्ञान। अब तक 5 वर्ष बीतने को आ रहे थे। अर्जुन को आ रही थी अपने भाइयों और द्रौपदी की बहुत याद।